आज अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज टॉपिक को। परसेंटेज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरे कॉन सेक्शन पे। परसेंटेज इज वन ऑफ द फंडामेंटल ऑफ कॉन आज इन वेरियस एग्जामिनेशन लाइक प्लेसमेंट, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन एंड ऑल एमबीए एग्जाम्स। परसेंटेज के क्वेश्चंस हर टाइप के क्वेश्चंस में तुम्हें उसकी झलक मिलती रहेगी। डिस्काउंट हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, या टाइम हो, टाइम एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस हो, सब पे थोड़ी बहुत झलक तुम्हें मिलती रहेगी। अगर तुमने परसेंटेज को होल्ड कर लिया और इसके ट्रिक्स, इसके शॉर्टकट्स को समझ लिया तो तुम्हारे लिए बहुत इजी होने वाला है। तो पहले अपन लोग डिस्कस करते हैं परसेंटेज होता क्या है। इसका सिंबल अपन लोग ये यूज करते हैं परसेंट। अब परसेंट ऐसे तो तुम इसके मीनिंग पे जाओगे तो पर सेंट मीन्स अगर अपन लोग किसी भी पार्ट को डिस्क्राइब करते हैं, मान लो कि अपन लोग यूज करते हैं यहाँ पे 100 kg और इससे अपन लोगों ने किसी को दे दिया 10 kg, ठीक है। अब अपने को जानना है कि ये 10 kg कितना है जितना तुम्हारे पास ऑलरेडी था। इस पर्टिकुलर को अपन लोग कहते हैं पार्ट, और जब अपन लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आ जाता है परसेंटेज में। मैं एक सर्कल लेता हूं, ये वो सर्कल हुआ, और इसके इतने पार्ट को अपने को डिस्क्राइब करना है। सिंपल वे में बताता हूँ। ये मान लो 25 मतलब कि 1/4, अच्छा छोड़ो इसे, ये 25% है, ये पूरे 100% का। ये तुम फिगर से एनालाइज करो, इतना है, ये 25, ये 25, ये 25, ये 25, होल 100। तो ये 25 को डिस्क्राइब करने का तरीका ही है। इस पार्ट को अपन लोगों ने डिस्क्राइब किया कि इस होल में ये 25% है वो सेडेड है। अगर मुझे बताना है सेडेड पोर्शन कितना है तो अपन लोग को यही बताना होगा कि ये पूरे 100% में 25% पार्ट सेडेड है। तो परसेंटेज का यूज ऐसे ही होता है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में ऐसे ही गिवन होगा। और मैं इसे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। अब जो मैंने पार्ट्स को डिस्क्राइब किया है उस पार्ट्स को तुम्हें लर्न करना है। कैसे? क्योंकि क्वेश्चंस को इजी बनाने के लिए अपने को लर्न करना है। मैं यहाँ पे चार्ट बना रहा हूँ, उसे तुम नोट डाउन करो और उसे लर्न करना ही है, क्योंकि मैं आगे क्वेश्चंस में डिस्क्राइब करूँगा कि वो क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है उसे लर्न करना। मैं अब लिख रहा हूँ, ये कितना है, हाफ हाफ मीन्स 50%। ये कैसे आ रहा है अगर ये जानना है। देखो, हाफ पार्ट ऑफ 100% कितना होगा, हाफ इंटू 100 50%। तो ये वाले जो प्रॉब्लम्स है ऐसे होंगे, 1/3 पार्ट ऑफ 100, 1/4 पार्ट ऑफ 100, 1/5 पार्ट ऑफ 100। तो जब भी अपन लोग ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 पे, ये 50% जैसे परसेंटेज आ रहे हैं वो निकलते जाएंगे। 1/3 पार्ट ऑफ 100, 33.33%। इससे बताते हैं 1/4 पार्ट ऑफ 100, 25%, 20%, 16.66%, 14.28%, 12.5%, 11.11%, 10%, 9.09%। देख लो, इस सारों को तुम्हें लर्न करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब अपन लोग डायरेक्ट यूज करने वाले। मान लो कोई क्वेश्चंस पे गिवन है कि 14.28% ऑफ 100 बताओ मेरे को कितना रहता है, ठीक है, कोई भी न्यूमेरिकल में ऐसे दे सकता है। 14.28% अगर मेरे को याद है 1/7 पार्ट रहता है, तो अपन लोग डायरेक्ट कर लेंगे 1/7 इंटू जितना, मान लो 400 kg है, हो जाएगा, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस पर।
तो ये ऐसे करके मेरे को लर्न करना है। लर्न करना ये बहुत ईजी है, ये तो याद रहना ही है। 1/3 33.33 लर्न करना है, 1/4 25, 1/5 20 ये तुम्हें लर्न करना है, 1/6 6 यूज हुआ है 16.66, 1/7 14.28, 7 इंटू 2.7 इंटू 4, समझ रहे हो कैसे लर्न करना है, 14.28। 8 वाले को लर्न करना है ऐसे ही 12.5, देखो 9th वाले पे 11.11 और 11 वाले पे 9.09, तो ये तुम ऐसे करके लर्न कर सकते हो इस वाले टॉपिक, इस वाले पॉइंट को ऐसे लर्न कर सकते हो तुम, समझ रहे हो कैसे ये कैसे पार्ट निकल रहा है उसे भी तुम समझ गए, यहाँ पे मैंने बता रखा है। तो ये सारे पॉइंट्स को तुम्हें लर्न करने हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी मैं सारे क्वेश्चन, जब भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करने वाला हूँ आगे, तुम देखना ये इसके यूजेस कितने हैं, ये बोर्ड थोड़ा सा गंदा दिख रहा होगा, ऐसा दिख ही रहा है, मेरे पास डस्टर अभी फिलहाल है नहीं तो मैं इसे कपड़े से रब कर रहा हूँ, वैसे भी नॉलेज ट्रांसफर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब मैं बताता हूँ, अब नेक्स्ट, अब मान लो 1/2 है, ठीक है, ये मैंने याद कर लिया है 50% है, ठीक है, मान लो 1/2 स्क्वायर हो, क्या होगा ये 1/4, तो अपन लोग इसको कैसे निकालेंगे, और इसे भी लर्न करना है तुम्हें, एक तरीका है मैं बता रहा हूँ शॉर्टकट तरीका, 1/8, 1/16, देख रहे हो ना 2 के पावर्स में बढ़ता जा रहा है वो, 1/32, इसके क्या होंगे। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स में अगर जैसे ही अपने को परसेंटेज निकालना है तो ये तो सिंपली है 50%, ठीक है। अब देखो ये क्या होगा, 1/4, 1/4 अपन लोगों ने क्या डिस्क्राइब किया था, क्या मैंने लिखा था, 25%, 25% को अपन लोग लिख सकते हैं 5 square percent, लिख सकते हैं। सेम 1/8, 1/8 क्या लिखवाया था आपने, अपने को पता है 12.5% है, पता है। अब इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब, 5 का क्यूब क्या रहता है 125, अपने को, अच्छा ये कोई प्रोसेस नहीं है, ये मैं बस याद करवा रहा हूँ, एक तरीका बता रहा हूँ तुम्हें याद कैसे करना है। तो 125 रहता है, बस एक पॉइंट लगाना है, ये भी कोई 5 के पावर में ही आना है, 6.25 कितने होंगे 5 का 4, 3.125 5 का 5, 5 का पावर 5, ये तुम करके देखो ये वैल्यू आना है, और बस तुम्हें पॉइंट याद रखना है कि कहाँ मेरे को पॉइंट पुट करना है, ये तुम्हें लर्न करना ही होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन से पेपर बहुत इजी लगने लगता है। मैं अभी क्वेश्चन जब सॉल्व करूंगा तो तुम देखना कि पेपर्स कितने, मैं डायरेक्ट ये सब को जब यूज़ करूंगा, देखो अगर तुम इसे लर्न नहीं करते तो हो सकता है जो क्वेश्चन तुम्हारे 10 सेकेंड्स में बनने वाले थे वो 60 सेकेंड्स लग जाए। मेरे इस चैनल का मोटिव यही है कि कोई भी क्वेश्चन हो, कोशिश यही करना है कि 10 सेकेंड्स में उसे ख़त्म करना है, ठीक है। चलो मान लो किसी इंसान के पास 80 लीटर ऑफ मिल्क है, ठीक है, और अपने को चाहिए 20% ऑफ मिल्क। मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा डिमांड है कि मुझे 20% ऑफ मिल्क चाहिए जो तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास 80 लीटर, अब मेरे को 20% निकालना है, प्रोसेस क्या अपनाना है, देखो 20/100, पता ही है परसेंट क्या होता है, परसेंट जब चेंज होता है तो 20/100, 100 पार्ट का 20 पार्ट मेरे को चाहिए, ये पार्ट है, ठीक है, 100 में से मेरे को 20 पार्ट चाहिए, 20% इंटू 80, ठीक है, 16 लीटर, बहुत इजीली अपने को पता चल गया कि कितना चाहिए, 16 लीटर चाहिए, तुम्हारे पास 80 लीटर है, मेरे को 20% चाहिए, 20% आ रखा है 16 लीटर, 16 लीटर मेरे को चाहिए, यह बहुत इजी कैलकुलेशन, यही है परसेंटेज का यूज़ जो मैं एग्जांपल से बताऊँ। अब परसेंटेज डिस्क्राइब करता है क्वांटिटी को, मान लो तुम्हारी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, मान लो एक कपल है और तुम अपने तरफ से बोल रहे हो कि मैं तुम्हें 100% प्यार करता हूँ, और सामने से तुम्हें रिस्पॉन्स आ रहा है कि मैं तुम्हें 0% प्यार करती हूँ, ठीक है, तुम इधर से 100% करते हो, इधर से रिस्पॉन्स में तुम्हें 0% आ रहा है, तो इससे क्या पता चला कि तुम्हारी बंदी इमेजिनेशन में, रियल लाइफ में है नहीं, तुम रियल लाइफ में एक्चुअली सिंगल हो, इंजीनियर हो,
मेरे जैसे, तो ये लाइफ कितनी इजी हो गई, देखो बहुत इजी हो गई, बहुत इजी वे में पता चल गया, देखो परसेंटेज का यूज। अब मैं नेक्स्ट पार्ट पे जंप करता हूँ। अब जो मैंने तुम्हें पार्ट वाले सिस्टम को बताया है उसके यूजेस देखो, अब कितने इजी तरीके से मैं सॉल्व करने वाला हूँ प्रॉब्लम्स को। मान लो एक प्रॉब्लम है कि 10% ऑफ 850 मेरे को बताओ कितना है, ठीक है। 10% ऑलरेडी मेरे को पता है कि 1/10 पार्ट को कहते हैं, ठीक है। ये तो बहुत इजी भी है, 10/100 भी करो तो कट के 1/10 पार्ट आ जाएगा, ठीक है। 1/10 तो 1/10 पार्ट ऑफ 850, 85, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, इस पे कुछ अपने को दिमाग नहीं लगाना है। नेक्स्ट पे आते हैं, 25% ऑफ 444। अब अपने को क्या पता है 25% क्या रहता है, कौन सा पार्ट रहता है, 1/4 पार्ट, बहुत सिंपल। देख रहे हो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं। मैं थर्ड पे आता हूँ। मान लो एक प्रॉब्लम है जिसपे 0.09% ऑफ 11 निकालना है, ठीक है। अब इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहेंगे कि 9.09 है तो अब इसको क्या करेंगे, पॉइंट को हटाएंगे तो ये रहेगा 1909/100। अब इसको अपन लोग मल्टीप्लाई करेंगे 11th पे। इस प्रोसेस से ही बचने के लिए अपन लोगों ने पार्ट्स को याद किया। 9.09% रहता क्या है, कितना पार्ट रहता है, 1/11, 1/11 × 11, 1। देख रहे हो प्रॉब्लम्स कितने इजीली बन रहे हैं। अब मान लो एक क्वेश्चन गिवन है, 39% ऑफ 260 मेरे को निकाल के बताओ। अब ये तो कोई पार्ट्स में अपन लोगों ने लर्न नहीं किया है, तो इसको निकालने का एक तरीका बताता हूँ। 39 सबसे क्लोज किस पे है, 40 पे, तो अपन लोग 40% निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, निकालना तो अपने को फाइनल 39 है, 40% में अपन लोग 1% जो वैल्यू है उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 40% ऑफ 260 माइनस 1% ऑफ 260 करेंगे, और इस प्रोसेस से, और ये प्रोसेस कितना इजीली निकलता है देखो। अब मान लो 40% भी डिफिकल्ट हो रहा है तुम्हें निकालना, तो हम ये कर सकते हैं 4 × 10%, आना 40% ही है। 10% का जो वैल्यू निकलने वाला है 260, उसी को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 टाइम्स वाले निकल जाएंगे। 40% को निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है। तो अब अपन लोग निकालते हैं 10% ऑफ 260, दैट इज 26। 10/100 × 260, 26, ठीक है, समझ रहे हो तुम। अच्छा, मैं इस पॉइंट्स को जो बता रहा हूँ वो तो तुम समझ रहे हो ना। मैं इसी होप में हूँ कि एटलीस्ट ये सब पॉइंट्स तुम्हें पता चल रहा है। 40% − 1, ये सब तो समझ रहे हो तुम। अब ये भी नहीं समझ रहे हो तो मैं फिर पेन घुसेड़ दूंगा कैमरे पे। ये सब बहुत इजीली देखो, फिर भी मैं बता रहा हूँ, सुन लो पहले। 40% − 1%, ये क्यों कर रहे हैं अपन लोग, 39 लाने के लिए, ठीक है। 40% को अपन लोग फिर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं 10% × 4, ठीक है, जो फाइनली आना है 40%, ठीक है। 10% अगर अपन लोग इस वैल्यू के 10% को निकाल रहे हैं जो कि 26 है, और इसी को अगर अपन लोग 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं जो आना है 104, ठीक है, तो फाइनली अपन लोगों ने क्या निकाल लिया, 40%। ये 40% का ही वैल्यू है, देख रहा हूँ। 10% निकाला, × 4 कर लिया, फाइनली 40% आ चुका है। अब जब 40% आया तो अपने को चाहिए 1%, क्योंकि अपने को सब्ट्रैक्ट करना है ताकि 39% के वैल्यू वो निकाल सकें, समझ रहे हो। अब 1% ऑफ 260 क्या रहता है, 1% मीन्स 1/100 ऑफ 260, दैट इज 2.6। 104 से 2.6 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू आएगी 101.4, यही है 39% ऑफ 260। मैंने तुम्हें समझाने के लिए इतने डिटेल में बताया है,
इतना लंबा ये जाता नहीं है, तुम बस सोचो ये जितना प्रोसेस है ना, ये दिमाग में होने वाले प्रोसेस है, इसे लिखना नहीं है। 39% सबसे क्लोज में, 40%, 40% में मैं अगर 1% सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 39% आना है। अब 40% मेरे को नहीं निकालना है, तो 4 × 10 के फॉर्म में आ रहा है, तो 10% निकालूंगा, फिर उससे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डायरेक्ट ये प्रोसेस करेंगे। निकाले, इसको निकाल लिए, 104 आ चुका है, ये 40%। अब 1% निकालेंगे, 1% पे तुम दिमाग पे ही सोच सकते हो कि 1/260 को 100 से डिवाइड करना है, कितना आना है, 2.6। डायरेक्ट इस प्रोसेस पर आना, मतलब तुम इस प्रोसेस से ये प्रोसेस में आओगे, ये प्रोसेस को करने में मैक्स टू मैक्स 20 सेकेंड्स। समझ गए, बहुत इजी है। अब अपन लोग बढ़ते हैं थोड़े न्यूमेरिकल्स की तरफ, जो तुम्हारे प्रोसेस जितने भी मैंने ट्रिक्स। अच्छा, मैं लास्ट में, ये तो इम्पॉर्टेंट है, मैं एक अस्त्र देने वाला हूँ खतरनाक। मैं इतने सारे शॉर्टकट्स बताऊंगा कि परसेंटेज के क्वेश्चंस तुम्हारे वही 10 सेकेंड्स टू 20 सेकेंड्स में बनने वाले हैं, तो पूरे वीडियो को देखना। और सारे, और जो मैं ट्रिक्स बताने वाला हूँ, फॉर्मूले को बताने वाला हूँ, जो मेरे अस्त्र है, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से लर्न करना, क्योंकि वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हारे से कोई भी परसेंटेज के क्वेश्चंस कभी रॉन्ग नहीं होने वाले हैं। चलो अब मैं न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ता हूँ। क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज 33 लीटर ऑफ 3300, ये अपने को निकालना है। ये 33 लीटर जो है वो इतने बड़े, ये जो 33 लीटर है वो इतने में कितना परसेंट है। व्हाट परसेंट इज 33 लीटर ऑफ 3300। अच्छा, पीछे किसी गधे ने सॉन्ग्स बजा लिए हैं, हो सकता है तुम्हें थोड़ा डिस्टरबेंस हो, तो उसे अवॉइड करना। तो अब अपने को निकालना कैसे है, मान लो स्कूल में तुम पढ़ रहे हो, ठीक है, और तुम्हें, अगर तुम्हें परसेंटेज निकालना है तो तुम कैसे निकालते हो, मार्क्स ऑफ 10 बाय टोटल मार्क्स इंटू 100, यही करते हो। मान लो टोटल मार्क्स है 600, जिसमें से तुम्हें, तुम अगर एक गुड स्टूडेंट हो, मान लो 15 मार्क्स लाए हो, इंटू 100, ऐसे निकालते हैं, क्वांटिटी बाय टोटल क्वांटिटी इंटू 100। सेम प्रोसेस यहाँ पे करना है, ये भी तो वही है, 33 लीटर जो तुम्हारे पास है और ये टोटल जो मेरे पास है, तो इतने में इसको देखो, 33 जो क्वांटिटी तुम्हारे पास है और टोटल क्वांटिटी कितना है, 3300 × 200 आ गया परसेंट में। समझ गए, बहुत इजी है, बहुत इजी प्रोसेस है। अब अपन लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये बोर्ड को थोड़ा अवॉइड करना है, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत गंदा दिख रहा है, पर अपन लोग विश्वास रखते हैं नॉलेज ट्रांसफर पे, तो उसी पे फोकस करते हैं। अपन लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 25% ऑफ एक्स इज 11.11% ऑफ वाई इंटू के, ठीक है, ये इंटू है, ठीक, वेयर एक्स बाय वाई इज इक्वल टू 16/9, फाइंड के। तुम लोग एक बार ट्राई करो इसको, वीडियो को पॉज करके। चलो, मुझे पता नहीं बना, अब सोल्यूशन पे आते हैं। मजाक था, मुझे पता है बहुत लोग बना लिए होंगे। 25% ऑफ एक्स क्या रहता है, याद करो अपन लोग पार्ट्स में क्या पढ़े थे। 25% जब पार्ट्स में देखोगे तो वो ये रहता है 1/4, लिख देता हूँ 1/4 पार्ट, और ये क्या रहता है बताओ, और 1/9 पार्ट जो रहता है वो है 11.11%, तो ये है 1/9 पार्ट। लर्न करने के तरीके को मैंने बता रखा है, अब बस कुछ नहीं, देखो अपने को याद था ये, अब अपने को कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप करना है। 25% ऑफ एक्स, दैट मीन्स 1/4 पार्ट ऑफ एक्स, दैट इज इक्वल टू 1/9 पार्ट ऑफ वाई इंटू के, ये मैं बता चुका हूँ, ये पॉइंट मीन्स पॉइंट नहीं है, ये इंटू है, मल्टीप्लाई है, ठीक है, 1/4। अब देखो इसको अपन लोग इधर लेकर जा रहे हैं, ठीक है, ये एक्स और इस वाई को नीचे ला रहे हैं, एक्स बाई वाई इक्वल टू 4/9 इंटू के,
समझ रहे हो ये कैसे आया? ये फोर को अपन लोग इधर ले गए हैं, और इस देखो ये फोर इधर गया और इस वाई को नीचे कर दिए। क्यों लाए? एक्स बाई वाई फॉर्म में करने के लिए, क्योंकि एक्स बाई वाई का वैल्यू अपन लोग को गिवन है, जो है 16/9 इक्वल टू 4/9 इक्वल टू के। कोई कंफ्यूजन? कोई प्रॉब्लम नहीं है? मुझे नहीं है, मिस तुम्हें भी नहीं है। चलो अब अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनने वाला है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ आता है, मतलब एक प्रोसेस आता है जो कि क्वेश्चंस को बहुत इजी बनाता है। इफ 15% ऑफ वाई इज सेम एज 21% ऑफ जेड, देन 12.5% ऑफ वाई इज इक्वल टू व्हाट परसेंट ऑफ जेड। टाइम देता हूँ मैं, तुम इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो खुद से, इस पे क्या बता रहा है, और अगर तुम पार्ट्स पार्ट्स में अगर कुछ करना चाहते हो, ऐसे पार्ट्स का यूज़ होगा नहीं इस पे, एक प्रोसेस है, पर एक बार तुम ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है। चलो ट्राई कर लिया होगा तुम लोगों ने, ये शायद थोड़ा मुश्किल लगे तुम लोगों को। अब क्वेश्चंस पे गिवन क्या है वो अपने को सबसे इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। मैथ देखो, मैथ्स के प्रॉब्लम्स का फंडा ही ये रहता है कि जो क्वेश्चंस में दिया है बस उसको लिखते जाओ, फाइनली अगर तुम्हें उसका प्रोसेस या उसके फॉर्मूले पता है तो फाइनली क्वेश्चन बनना है। अगर कहीं भी प्रोसेस पे लैग करते हो तो वही जो एग्ज़ाम में होता है ना, ऐसे बनाओ बनाओ बनाओ, फिर यहाँ अटक गए, और एक बार जो अटक गए तो अटक गए, उसके बाद कोई तरीका नहीं आगे बढ़ने का। क्वेश्चन तुम देख रहे हो, ठीक है, होप समझ आ रहा होगा, मेरी हैंड राइटिंग बहुत खूबसूरत ऑलरेडी है तो। अच्छा, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, इंजीनियर हूँ, ठीक है। चलो क्वेश्चंस पे आते हैं। 15% ऑफ वाई क्या रहता है? 15/100 इंटू वाई इज सेम एज 21% ऑफ जेड। 21/100 इंटू जेड, ये वन। नेक्स्ट पे क्या बता रहा है देखो, देन 12.5% ऑफ वाई इज इक्वल टू व्हाट परसेंट ऑफ जेड, ठीक है। 12.5% क्या है बताओ? अच्छा छोड़ो, अपन लोग डायरेक्ट लिखते हैं, ये ऐसे 12.5% 1/8 पार्ट है, अभी यूज नहीं करेंगे, अभी डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। 12.5/100, 12.5% ऑफ वाई इज इक्वल टू व्हाट परसेंट ऑफ, व्हाट परसेंट ऑफ जेड, ये निकालना है अपने को। इसको अपन लोग क्या एज्यूम कर सकते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, समझ आ रहा है ये एम क्या है। ये अपन लोग जो परसेंट, जो अपने को वैल्यू निकालना है, जो परसेंट ऑफ जेड निकालना है, उसको अपन लोग, ये परसेंटेज में है, वो वैल्यू है एम, ठीक है। अब देखो, इस टाइप के इक्वेशन जब भी फॉर्म हो, वाई के नीचे वाई, जेड के नीचे जेड, कुछ नहीं करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, समझ रहे हो, बहुत इजी प्रोसेस है। अब अपने को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, अब देखना है, ठीक है, इस वाले पार्ट को इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 15/100 इंटू वाई इंटू एम, इसको परसेंट में कर लेते हैं, ठीक है, एम बाई हंड्रेड इंटू जेड इक्वल टू ये प्रोसेस, ये प्रोसेस, मतलब ये सिस्टम और सिस्टम को मल्टीप्लाई करना है। पता नहीं मैं हर जगह पे प्रोसेस क्यों बोल रहा हूँ। 21/100 इंटू जेड इंटू 12.5/100 इंटू वाई, अब तुम इसको ये भी कर सकते हो, 1/8 पार्ट ऑफ वाई भी कर सकते हो। अब देखो, हो सकता है कि बहुत लोग कन्फ्यूज हैं कि ये मैंने एम एज्यूम किया, बाई हंड्रेड कर दिया, तुम मत करो, तुम अगर डिवाइड बाई हंड्रेड नहीं करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो वैल्यू आएगा, फिर परसेंटेज में करने के लिए ऐसे भी तुम्हें हंड्रेड से डिवाइड करना ही होगा, समझ रहे हो।
व्हाट परसेंट ऑफ जेड निकालना है, समझ रहा हूँ। तो ये वैल्यू है, ये पार्ट है एक्चुअली, समझ रहा हूँ। पार्ट बाई 100 जो अपन लोग करते हैं वो क्या निकलता है, वो पर्टिकुलर पार्ट निकलता है। फिर अपन लोग जब इंटू 100 करते हैं तो फाइनली वो परसेंट में तब्दील होता है, फाइनली वो परसेंटेज में वैल्यू आता है, समझ रहे हो। तो इसीलिए अपन लोग कर लिए, अगर तुम नहीं भी डिवाइड करते हो तो भी आंसर आना ही है, समझ रहे हो। अब इसको देखो, वाई वाई कट जाएगा, जेड जेड कट जाएगा, बचेगा एम, एक ही वैल्यू है, इक्वेशन फॉर्म्ड है ना। तो एम का वैल्यू आएगा तुम्हारा 35/2, जो कि फाइनली वैल्यू देगा 7.5%। और तुम मान लो नहीं लिया 100, चलो तुम्हें फाइनली परसेंटेज में आंसर निकालना है, तो वो तुम वैसे ही करोगे, समझ रहे हो। क्वेश्चन बहुत इजी था, समझ आ गया तुम्हें। प्रोसेस क्या करना है मैं फिर से बता दे रहा हूँ। 15% ऑफ वाई इज सेम एज 21% ऑफ जेड, 15% ऑफ वाई इज सेम एज 21% ऑफ जेड, देन 12.5% ऑफ वाई इज इक्वल टू हाउ मच परसेंट ऑफ जेड। वो जो हाउ मच था उसे हमने एम ले लिया, लेते ही वैल्यू दोनों के इक्वेशन के फॉर्म में लिख लिया, क्योंकि वाई वाई सेम है और जेड जेड सेम है, मतलब नीचे पे आ रहे हैं, तो अपने को करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, और ये सिर्फ इस पे नहीं, बहुत सारे मतलब जो बैंक के एग्जाम्स होते हैं और भी काफ़ी सारे एग्जाम्स हैं जिसमें पूछे जाते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है और सिंपल वे में क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ। इसमें मैं एक अस्त्र का यूज करने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और 99% जो टॉपर्स होते हैं, 99% वाले लोग या मैक्सिमम जो लोग होते हैं, इसी तरीके को यूज करते हैं। और तुम्हें भी मैं प्रोसेस बहुत सारा लेंदी बताऊंगा फ्यूचर में, मतलब मैं चाहता हूँ कि तुम्हें बेस भी पता रहे, समझ रहे हो। तो बेस तो मैं बताऊंगा, कैसे प्रोसेस आगे बढ़ रहा है स्टेप बाय स्टेप, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन जो मैं अस्त्र बताऊंगा तुम्हें प्रोसेस वही यूज करना है हर क्वेश्चंस में, हर एक क्वेश्चंस में, क्योंकि वो ऐसा प्रोसेस है जो हो सकता है ऐसे क्वेश्चन जो 60 सेकेंड्स लगे वो तुम 10 सेकेंड्स में बनाओगे, ठीक है। अब क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, देखा देखा लग रहा होगा क्वेश्चन, बहुत बार ये पूछा जाता है बहुत जगह पे। फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 10%, इतने पे मन नहीं भरा, क्वेश्चन और है। देन डिक्रीज्ड बाय 10%, फाइंड द फाइनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल। समझिए क्वेश्चन क्या है, एक आर्टिकल है अपने पास जिसके प्राइस को पहले 10% इंक्रीज कर दिया, उसके बाद जो इंक्रीज प्राइस था 10% उसको अपन लोगों ने डिक्रीज कर दिया 10% से। ये ऐसा मत सोचना कि 10% बढ़ गया 10% घट गया तो प्राइस उतना ही रह गया, वैसा नहीं होता। मान लो कि एक छोटा सेम सर्कल, अपने दुख को मैं बताते हुए सर्कल रिंग बना रहा हूँ, मान लो एक रिंग है, ठीक है। अब इसको अपन लोगों ने 10% इंक्रीज कर दिया, इतना बड़ा हुआ। अब इसके 10% को डिक्रीज किया, अब देखो परसेंटेज पार्ट्स में आता है, ठीक है। ये जो क्वांटिटी है ये इतना, ठीक है, इसका 10% जो रहेगा छोटा रहेगा, ठीक है, इसका 10% इतना रहेगा, पर इसका 10% तो इतना नहीं रहेगा ना, समझ रहे हो। इतना 10% क्या इतना रहेगा, नहीं होगा, क्योंकि ये बड़ा क्वांटिटी है। हम सब जब पार्ट्स निकालते हैं तो नीचे होल रहता है टोटल बाय समथिंग दैट वी आर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो क्या इसका टोटल और इसका टोटल सेम होगा, नहीं होगा, देख ही रहे हो। इसका टोटल मान लो 10 है तो इसका 15 होगा ये टोटल, क्योंकि ये बड़ा साइज में है, तो इसका जो 10% होगा उसका वैल्यू भी अलग रहेगा, समझ रहे हो चीज को, पॉइंट को समझ रहे हो। इसका टोटल सेम नहीं होगा, ठीक है, जो अपन लोग नीचे डिवाइड करते हैं वो टोटल इसका 10 होगा लेकिन इसका 15 रहेगा, देख रहा हूँ सर्कल। इसीलिए जो 10% इंक्रीज हुआ और 10% डिक्रीज हो रहा है उसको सेम मत ले लेना, क्योंकि वैल्यूज चेंज हो जाते हैं। अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं, लेंदी प्रोसेस बताते हैं ताकि तुम डेप्थ को समझो, ठीक है।
पीछे इधर उधर बहुत सारी आवाज़ें आएंगी, प्लीज़ उसको इग्नोर करना। मैं खुद फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ, बोर्ड वोर्ड देखे रहो कितना गंदा है। मैं क्लीन कर सकता था बोर्ड, लेकिन फ्रस्ट्रेट होकर नहीं कर रहा हूँ। चलो, लेट प्राइस इक्वल टू 100 रिज्यूम कर लिया। 100 क्यों, क्या, क्योंकि देखो परसेंट वाले क्वेश्चंस में ना 100 के फॉर्म में ही अपने को लेना है, इजी रहता है। मान लो टोटल, जैसे मान लो 100 है, ठीक है, और परसेंटेज किस फॉर्म में रिलेट होता है, 100 वाले डिवाइड बाय 100 इंटू 100। तो ऐसे एज्यूम ही ऐसा नंबर करो ना कि बहुत इजीली कट जाए। और जीरो देखो, मान लो 50 आया, डिवाइड बाय अगर 100 आता है, तो डायरेक्ट सिर्फ जीरो को शिफ्ट करना है पॉइंट्स में, डेसिमल में लाने के लिए, ठीक है। तो लेट प्राइस भी ₹100, ठीक है, साइन दे देते हैं ₹100, प्राइस ऑफ आर्टिकल, ठीक है, एज्यूम कर लिया अपन लोगों ने। अब मैं इंक्रीज को ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, इंक्रीज्ड, ठीक है, तुम भी यूज़ कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, बस समझ लेना कि इंक्रीज्ड है, ठीक है। मत सोचना कि कोई एरो है ऊपर दिखा रहा है परसेंटेज सेड, ये सब मत कर लेना, ठीक है। मैं बहुत प्यार से और अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, इस साइन को मैं यूज़ करता हूँ इंक्रीज्ड में, इंक्रीज्ड वैल्यू इंक्रीज बाई 10%, दैट मीन्स 10/100 इंटू कितना प्राइस है, 100, ठीक है, कितना आएगा ये 10। क्या किया हमने, 10% ऑफ द टोटल वैल्यू, टोटल अपन लोग एज्यूम ही कर रहे हैं कि आर्टिकल का प्राइस ही 100 रुपये सस्ता है, ठीक है, तुम्हारे लिए, मेरे लिए वो भी महंगा है, 100 रुपये है, उसका 10% प्राइस अपने को निकालना है, 10% है ₹10। ये क्या हुआ, ये इंक्रीज हुआ है, ठीक है, ये वैल्यू है इंक्रीज वैल्यू, ठीक है, टोटल वैल्यू नहीं है। मान लो ये जो 10% निकाले अपन लोग, ये है 10% ऑफ 100, दैट इज 10, पर ये इंक्रीज्ड वैल्यू नहीं है। इंक्रीज वैल्यू क्या रहेगा, इंक्रीज्ड वैल्यू इक्वल टू 100 + 10, जो होगा ₹110। तो फाइनल जो प्राइस था वो 110 हो गया, इंक्रीज होने के बाद अब अपने आर्टिकल का प्राइस हो चुका है 110, ठीक है। अब उस दुकानदार ने क्या किया, फिर डिक्रीज कर दिया। जिंदगी में संतुष्टि नहीं तो यही होना है, बढ़ाओ कमाओ बढ़ाओ कमाओ, अब उसने कम कर दिया, ठीक है। अब डिक्रीज साइन समझ ही सकते हो, ये इंक्रीज्ड है तो नीचे दिखाऊंगा सिंबल तो डिक्रीज्ड होगा। अब डिक्रीज्ड बाय 10%, जो क्या होगा, फिर से अपन लोग 10% निकालेंगे। अब किसका वैल्यू बढ़ चुका है, देख रहे हो ना, बिगर सर्कल बन चुका है। यही मैं समझा रहा था कि अब वैल्यू सेम नहीं हो सकता। अब इंक्रीज्ड में अगर तुम डिक्रीज कर रहे हो तो देखो, अब तुम सोचो, अब अगर मान लो सेम रहता तो 10 आना चाहिए, पर वैल्यू देखो अब कितना आता है, इंटू टोटल वैल्यू है 110, क्या निकलेगा, ₹11। समझ रहे हो, वैल्यू बढ़ गया। अब उसका 10% जो था, जो बड़े सर्कल का, उसका एक ज़्यादा आया। तो यही प्रोसेस था, यही तो मैं समझाना था। अब मेरे को निकालना है प्राइस आफ्टर डिक्रीज्ड वैल्यू ऑफ द आर्टिकल, ठीक है, प्राइस ऑफ आर्टिकल आफ्टर डिक्रीजिंग ₹110 था, बढ़ने के बाद अपन लोग माइनस कर रहे हैं 11, तो वैल्यू आएगा 99। समझ गए, ऐसा ऐसा मत करना कि तुम यही वैल्यू को ले रहे हो, ठीक है, क्योंकि प्रोसेस है ये, देखो प्रोसेस बाय प्रोसेस चल रहा है। आर्टिकल के प्राइस को पहले अपन लोगों ने इंक्रीज किया है, उसके बाद डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। डिक्रीज अपने पहले ही पार्ट को नहीं कर रहे हैं, पहले फाइनल जो प्राइस अज्यूम किया उसे अपन लोग डिक्रीज नहीं कर रहे हैं, पहले इंक्रीज किए, इंक्रीज होकर 110 आया, उसके बाद इस प्राइस को अपने को डिक्रीज करना है, समझ रहे हो, इस प्राइस को डिक्रीज करना है। तो इस प्राइस को डिक्रीज करने के बाद जो कि वैल्यू 11 आया, इस प्राइस से सब्ट्रैक्ट करके 99, सॉरी परसेंटेज नहीं है, रुपीज में, ठीक है, हर चीज में परसेंटेज नहीं डालना है, समझ गया ये। और मान लो कि अब चलो परसेंट डाल दिया तो परसेंट भी निकालते हैं, मान लो कि कितने परसेंटेज का चेंजेस आया है फाइनल प्राइस में, वो निकालना है। क्या करना है, हमने प्राइस कितना एज्यूम किया था 100, फाइनल प्राइस कितना आया 99, एज्यूम कितना प्राइस किया था, जो कि टोटल प्राइस तुम बोल सकते हो कि पहला जो सबसे पहला प्राइस था वो था कितना 100,
इन 200 परसेंटेज में निकालने के लिए ये वैल्यू आएगा 1%। ये 1% का चेंज आया है प्राइस में, देख ही सकते हो 100 है 99 हुआ, 1 रुपए का ही चेंज हुआ। ठीक है, ये होगा लॉन्ग फॉर्म, जो मेरे ख्याल से अगर तुम थोड़ा फास्ट सॉल्व करना सीख लेते हो, ये प्रोसेस ज़्यादा भी लेंदी नहीं है, तो तुम्हें 1 मिनट लग सकता है। ठीक है, जो कि 60 सेकेंड्स बोलूँ मैं। ठीक है, 60 सेकेंड्स। अब मैं एक अस्त्र यूज़ करने वाला हूँ जिससे क्वेश्चन, पहले तो मैं वो एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से डिटेल में, ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे और देखना कैसे 10 सेकेंड्स में इस क्वेश्चन को बनाने वाला है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। ठीक है, उसके बाद बाकी और भी क्वेश्चन आएंगे, तुम्हें वही यूज़ करना है। चलो, लाइटनिंग आ रही है। अरे यार, लाइट भी चली गई, जिंदगी में दुख खत्म नहीं हो रहा मेरा। चलो अब उस टॉपिक पे आते हैं, जम करते हैं। मान लो किसी क्वेश्चन पे गिवन है 10% इंक्रीज। ठीक है, 10% रहता क्या है, कौन सा, वो जो पार्ट वाले तरीके पे बताया था, क्या रहता है, 1/10th पार्ट। ठीक है, इजी है, समझ रहे हो। अच्छा, ये साइन कर रहा है क्या, रुको मैं थोड़ा लाइट को चेंज करूँ। ठीक है, चलो 1/10th पार्ट, समझ रहे हो। चलो लाइट आ गई, 1/10th पार्ट, समझ रहा हूँ। अब देखो, जब भी अपने को इंक्रीज करना है, समझ रहा हूँ क्या करना है, देखो नीचे वाले को ऊपर वाले से ऐड करना है, नीचे वही रहना है, ऊपर चेंज होगा, कैसे। और इसे अगर तुम समझो तो डेप्थ में, देखो 10% इंक्रीज हुआ है, मतलब ये जो 10 है 1/10, ये जो 1 पार्ट है वो इंक्रीज हुआ है 10th वाले पार्ट में। तो देखो, और नहीं भी समझ आए तो बस तुम सिंपली यही देखो, 1/10 को इंक्रीज कैसे करें, ये 10 को ऐड करो, 10+1/10, क्या आया ये, 11/10। इसका बेस्ट पार्ट पता है क्या है, मान लो कोई सम में, मान लो 100 है, ठीक है, और उसमें अपने को निकालना है ये इंक्रीज्ड प्राइस, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, बस डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे फाइनल वैल्यू देता है ये, 11/10 × 100 कटा कितना आया, 110, ये वैल्यू आया था उस वाले क्वेश्चन में। क्या अपने को ऐड करना पड़ा दोबारा, 100+10 जो इंक्रीज हुआ वो करना पड़ा, कुछ नहीं, डायरेक्ट अपने को ये किए मल्टीप्लाई, आंसर। जितने भी इस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं, जस्ट तुम ये पार्ट को निकालो, मल्टीप्लाई करो, डायरेक्ट फाइनल आंसर आता है इस पर। ठीक है, 2-3 और एग्जांपल्स देता हूँ ताकि तुम अच्छे से समझ जाओ। मान लो, अब चलो ये इंक्रीज वाले पे बता दिया, मैं डिक्रीज पे बताता हूँ। मान लो 10% डिक्रीज हुआ, ठीक है, ये साइन पता है, मैं डिक्रीज के लिए देता हूँ। ठीक है, 10 क्या होता है, 1/10th पार्ट, क्या करना है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो मैंने तुम्हें बताया उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, क्योंकि ये डिक्रीज है, पहले अपने को इंक्रीज वाला था, तो इंक्रीज वाले पे क्या किए थे, 1/10 ने इसको ऐड कर दिए, 1+10/10, वो आया था 11/10। ये कब आया था, जब अपने को इंक्रीज करना था, ऐड किए, अब अपने को सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि डिक्रीज है, तो क्या करना है, इस 10 में 1 को माइनस करना है, 10-1/10 कितना आया, 9/10 आ गया, 10% डिक्रीज हो गया। चलो अब क्या करना है, 9/10 आ चुका है। अब देखो, मान लो सेम प्राइस है 100 रुपीज, और मेरे को 10% डिक्रीज करना है, तो 100 × 9/10 90, कुछ अलग से नहीं करना पड़ा। एक होता है ना, पुराने प्रोसेस में क्या करना होता, पहले वो जो डिक्रीज वैल्यू है उसको निकालना पड़ता था, उसके बाद जो टोटल वैल्यू उससे सब्ट्रैक्ट करना पड़ता था, इसमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, डायरेक्ट वैल्यू आता है। मान लो किसी क्वेश्चन पे गिवन है कि 26% इंक्रीज हुआ है, सेम प्रोसेस करेंगे, 26/100 क्योंकि इंक्रीज्ड है तो ऐड करेंगे, कैसे, 100+26/100 126/100, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है जो भी वैल्यू गिवन है। मान लो यही डिक्रीज में रहता, यही अगर डिक्रीज में रहता तो क्या करते, 100-26/100 जो भी वैल्यू रहता,
समझ रहे हो किस वे में ये करते हैं। अब मान लो सेम प्रोसेस, मान लो एक प्रोसेस है कि 10% इंक्रीज, देन उसके बाद 10% डिक्रीज, हो सकता है उसके बाद फिर 10% इंक्रीज कर दें, फिर डिक्रीज कर देंगे, तो क्या कितने बार अपन लोग इसको सॉल्व करेंगे? फिर 10% इंक्रीज पे निकाले, फिर डिक्रीज पे निकाले, फिर इंक्रीज पे निकाले, और पॉइंट्स में आता रहेगा ये वैल्यू, समझ रहे हो? तो इस प्रोसेस को करने का क्या तरीका है बताओ? 10% को कैसे अपन लोग किए थे, 10 by 100, सॉरी 1 by 10, जो अपन लोग फाइनली निकाले थे 11 by 10, और जो डिक्रीज वैल्यू था उसको कैसे निकाले थे अपन लोग? 1 by 10, जो था 10 minus 1 by 10, क्या आया था? 9 by 10। मान लो प्राइस है इनिशियली 100। देखो कितने सिंपल वे में ये सॉल्व होने वाला है, 100 into, पहले इंक्रीज करते हैं, चलो इंक्रीज कर दिए, फिर डिक्रीज करते हैं, डिक्रीज कर दिए, फिर इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज वैल्यू क्या है 11 by 10, फिर डिक्रीज करते हैं, कितना है 9 by 10, इसका जो फाइनल जो कैलकुलेशन निकलेगा वही उसका आंसर होगा। पुराने वाले क्वेश्चन पे सिर्फ ये दिया हुआ था एक बार इंक्रीज करना है और एक बार डिक्रीज करना है, उस पर वो गया था ऑलमोस्ट 1 मिनट तक। सोचो इसमें कितने बार अपन लोगों ने इंक्रीज और डिक्रीज किया, और देखो प्रोसेस इतना पूछता भी नहीं है, मैक्स टू मैक्स 1, 2, 3 तक ही पूछना है, समझ रहे हो? चलो इसको रब करूं। अब पुराने वाले क्वेश्चन को मैं बता दूं, पुराने वाले क्वेश्चन को मैं बता देता हूं, मैंने रब कर दिया है। पुराने वाले क्वेश्चन में प्राइस ऑफ एन आर्टिकल फर्स्ट इंक्रीज बाई 10%, इंक्रीज्ड बाई 10%, देन डिक्रीज्ड बाई 10%, ठीक है? और प्राइस हमने अज्यूम किया था मान लो 100, या मान लो गिवन ही है 100, क्या होगा इसका? 1 by 10, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा? 10 plus 1 by 10, दैट इज 11 by 10, ठीक है? ये डिक्रीज हो रहा है तो क्या होना है? 10 minus 1 by 10, दैट इज 9 by 10। सिर्फ मल्टीप्लाई करो, पहले अपन लोगों ने इंक्रीज किया 11 by 10, फिर अपन लोगों ने डिक्रीज किया 9 by 10, याद करो उसका वैल्यू कितना आया था, 99 आया था पुराने वैल्यू, मतलब तुम थोड़ा सा पीछे करके चेक कर लो, यही वैल्यू आया था। 10 सेकेंड्स में सॉल्व हुआ ये क्वेश्चन, और ये जो प्रोसेस ये मैंने बताया ये करना नहीं है, जब तुम दिमाग में, ये सब दिमाग वाले प्रोसेस है, दिमाग में सोचो 10% मीन्स 1 by 10, 1 by 10 मतलब अब ऐड करना, इंक्रीज करना 11 by 10, डायरेक्ट 11 by 10 से मल्टीप्लाई, डिक्रीज करना है 9 by 10, और कितना भी वैल्यू हो, मान लो 25% है, तो 25% का तो पार्ट हमें पता है, मान लो 97% है, कुछ नहीं करना है, 97 by 100, इंक्रीज हो रहा है तो 100 plus 97 by 100, समझ रहे हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें हर जगह यूज करना है, और मैं बता रहा हूँ ये हर जगह यूज होता है, हर जगह तुम कर सकते हो इसको यूज, और इससे क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस प्रोसेस से तुम हर क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, और परसेंटेज तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। मतलब मैं जब इसको लर्न किया था, पहले मैं कुछ कुछ प्रोसेस लगाता था, वो डिफिकल्ट होता था सॉल्व करने में, इसे सीखने के बाद मुझे परसेंटेज बहुत पसंद आने लगा, परसेंटेज के क्वेश्चंस मैं बनाता था, बहुत इजीली बनता था, अब तुम ट्राई भी कर सकते हो। तो मैं रब करता हूँ इस सारों को, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर जंप करता हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब मतलब अब देखो पार्ट्स अगर तुम सीख लिए हो, और इस तरीके को भी लर्न कर लेना है, इसे यूज करके अब सारे क्वेश्चंस को देखो मैं कैसे इजीली सॉल्व करता हूँ। पीछे साउंड के डिस्टर्बेंस के कारण मुझे हर बार वीडियो पॉज करना पड़ रहा है, रुकना पड़ रहा है, वेट कर रहा हूँ उसके साउंड को बंद होने को, फिर मैं बढ़ रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। सारे प्रॉब्लम्स आ रही हो रहे हैं रिकॉर्डिंग के टाइम। इफ ए सैलरी इज 50% मोर देन बीज, शुरू हो गया फिर से नौटंकी, हाउ मच परसेंट इज बीज सैलरी लेस देन एज। क्वेश्चन दिख रहा है, समझ आ रहा है तुम्हें? इफ एज सैलरी इज 50% मोर देन बीज, देन हाउ मच परसेंट इज बीज सैलरी लेस देन ए।
इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कैसे, लेट सैलरी ऑफ बी इज 100 एज सैलरी ऑफ ए इज 50% मोर देन बी, तब सैलरी ऑफ ए इज इक्वल टू 100 प्लस 50% ऑफ 100। अच्छा बताओ क्या ये प्रोसेस अब सुटेबल है, क्या इस प्रोसेस को अपने करना, जब अपने पास एक अस्त्र है जो अपन लोग अब यूज़ कर सकते हैं, तो इस प्रोसेस को अब नहीं यूज़ करना है, अब इस टाइप के अब अपन लोगों को लेंदी में जाना ही नहीं है। अब देखो मैं बताता हूँ इसका एक तरीका, सेम प्रोसेस पार्ट्स को यूज़ करेंगे और वो जो मैंने और एक अस्त्र बताया था उसे यूज़ करेंगे और एक छोटा सा फंडा है वो करते हैं, ठीक है। ए का सैलरी कितना ज़्यादा है, 50% ऑफ बी, प्लस कर देते हैं क्यों इतना ज़्यादा है, तो देखो अब क्या करते हैं, ए बाई बी, और नहीं तो अगर ये नहीं करें, मान लो ए ग्रेटर है 50/100 जो कि 50% ऑफ बी, पर ये क्या इंक्रीज वैल्यू है, इंक्रीज वैल्यू कैसे निकालते थे वो बताओ, 50% इंक्रीज है तो 100 प्लस 50/100, 50% को अगर करना है वो भी इंक्रीज्ड हो रहा है तो क्या करेंगे, 100 प्लस 50/100 दैट इज 150/100, याद आया प्रोसेस, अब यहाँ करेंगे और बी को अपन लोग इधर ले आते हैं, तो ए बाई बी इक्वल टू 150/100। अब देखो क्या हो रहा है, ठीक से क्वेश्चन देखो, ए सैलरी इज 50% मोर देन बी, बी का कितना है 100 और ए का कितना आया 150, यही तो है जो क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि ए का सैलरी 150 है और बी का सैलरी 100, 50% इंक्रीज्ड है हो रहा है, क्या ये एक्चुअल वैल्यू है, नहीं है क्योंकि एक्चुअल वैल्यू कहीं दिया ही नहीं है, हम सब एज्यूम ऐसे भी करने वाले थे बी का 100 फिर 50 करके, वो नहीं करना है, अब सिंपली यही प्रोसेस करना है। अब क्या है, हाउ मच परसेंट इज बी सैलरी लेस देन ए, बी का सैलरी इससे कितना कम है, पहले तो इसको अपन लोग रिवर्स करते हैं, ठीक है, बी बाई ए 100/150, ठीक है। अब अपन लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ये एक्चुअल इन लोगों का सैलरी है, ठीक है, तो बी का सैलरी ए से कितना कम है ये बताओ, 50 रुपीज, ठीक है, 50 रुपीज कम हो रहा है ए के सैलरी से, और टोटल सैलरी है कितना ए के पास, क्योंकि अपने को निकालना ए से कितना कम है, इसलिए डिवाइड कर रहे हैं टोटल ए के सैलरी से 150, समझ रहे हो, परसेंट में निकालना है तो इन 200 ये आएगा 33.33%, इतना कम है, समझ रहे हो प्रोसेस। अब मैंने इसको इतना बताया ना, इतना करना ही नहीं है, मैंने बोला था इसको माइंड में करना है, क्या बोल रहा है इसमें ये देखो, ए का सैलरी बी के सैलरी से कितना ज़्यादा है, 50%, 50% मीन्स 50/100, 50/100 मीन्स उसको ऊपर ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 150/100, क्योंकि वी के वैल्यू को निकालना है कितना लेस है, तो इसको रिवर्स करते हैं ताकि थोड़ा इजी रहे, मतलब वो प्रेजेंटेशन इजी लगे अपने को, रिवर्स करके कितना कम हो रहा है ये 50, और ए का सैलरी है कितना 150, 50/150 इंटू 100 हो गया 10 सेकेंड्स, समझ गए प्रोसेस, समझ गए क्यों उसको मैंने बताया है इसको, और अगर ये तुम्हें नहीं पता रहता तो अभी बहुत लेंदी प्रोसेस जाता, ये जो पार्ट्स वाला जो है ना ये इजी बनाता है, लेकिन ये न्यूमेरिकल्स के प्रोसेस को, मतलब जो सॉल्व करते हैं ना उसको इजी करता है, लेकिन प्रोसेस को भी तो अपने को स्टेप्स को कम करना है, क्योंकि टाइम नहीं होता है कैट में ज़्यादा, समझ रहे हो, कैट में मतलब कि मान लो तुमने 15 क्वेश्चन को टारगेट करना है क्वांट में, समझ रहे हो, 15 क्वेश्चन को टारगेट करना है और 15 क्वेश्चंस को देना है 30 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, ऐसे करके, मतलब तुम्हें देखते ही एनालाइज करना है कि कौन से क्वेश्चन तुमसे बनने हैं, जैसे एनालाइज करो बनाओ 50 क्वेश्चन, 99% आ गया तुम्हें। मैं बताऊंगा ये सब तरीके बताऊंगा, मैं ऑलरेडी कैट दे चुका हूं, मतलब पिछले के पिछले साल दे चुका हूं, इस साल मैं फिर से देने वाला हूं, तो मैं बहुत सारे तरीकों को बताऊंगा जो मैंने यूज़ किया था और बहुत कम पढ़ाई में बहुत अच्छे परसेंटाइल लाने के लिए, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अच्छा पीछे अगर साउंड आ रहा हो तो प्लीज़ उसको इग्नोर करना, मैं अब कुछ नहीं कर सकता हूँ, और
सिरप कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मान लो अभिषेक, तुम में से कोई अभिषेक हो गई, बहुत कॉमन नेम है। अभिषेक हैज टू स्कोर 40% मार्क्स टू पास, ठीक है। ही गेट्स 20 मार्क्स एंड फेल्स बाय 40 मार्क्स। फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जाम। समझ रहे हो क्वेश्चन क्या है? हैंड राइटिंग देख ही रहे हो कितनी खूबसूरत है। फिर से मैं बता रहा हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, इंजीनियर हूँ। चलो, अभिषेक हैज टू स्कोर 40% मार्क्स टू पास एंड ही गेट्स 20 मार्क्स एंड फेल्स बाय 40 मार्क्स। समझ रहे हो क्या लैक हो रहा है इसके लाइफ में? मेरे वीडियोस का। अच्छा, मेरे शॉर्ट्स को देखा करो, मेरे शॉर्ट्स का बता रहा हूँ मैं, कंसेप्ट ही यही है कि ये जो अपन लोग स्वाइप करते हैं ना शॉर्ट्स को, मैं चाहता हूँ अपने फ्री टाइम में जब भी तुम लोग स्वाइप करो ना तो कम से कम 10 फार्मूला तुम्हें याद हो जाए। इसलिए मेरे चैनल को फॉलो करना और जब भी बैठो स्वाइप करते रहना, फ्री टाइम में बस स्वाइप करो। तुम्हें मैं गारंटी देता हूँ कुछ ना कुछ फार्मूला तो तुम्हारे रिवाइज हो रहे होंगे, क्योंकि मैं सारे शॉर्टकट्स और फार्मूला शॉर्ट्स में ही डालूंगा। क्वेश्चन पे लौटते हैं। अभिषेक हैज टू स्कोर 40% मार्क्स टू पास एंड ही गेट्स 20 एंड फेल्स बाय 40 मार्क्स। देखो, उसने वो लाया है 20 और 40 मार्क्स से वो फेल कर गया, मतलब 40 मार्क्स अगर और आते तो वो पास हो जाता। तो पासिंग मार्क्स कितने हैं? कितने हैं? 40 प्लस 20, क्योंकि 20 वो लाया है, 20 है और 40 कम पड़ गया उसके लाइफ में, 60 है पासिंग मार्क्स, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूँ, ये क्वेश्चन मतलब ये तरीका तुम अपनाना रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में। ये जितने मैं तरीके बता रहा हूँ ना उसी से सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, मतलब वही है और कोई तरीका नहीं है। इसीलिए मान लो ये क्वेश्चन है, अब इसके बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे फंडे हैं लोग यूज़ करेंगे। मैं एक सिंपल तरीका यूज़ करता हूँ, मैं लगभग क्वेश्चन उसी तरीके से यूज़ करता हूँ अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हो तो। ये पैटर्न तुम समझ जाओगे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। अच्छा, मैथ्स के क्वेश्चन जो है ना सॉल्व करते करते समझ आते हैं पैटर्न क्या होता है। ये मत सोचना कि मैं यहाँ पर 100 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तुम्हें लगेगा हाँ ये कर लिया तो सब बन गए। प्रैक्टिस करना सीखो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, ठीक है। टोटल अब पासिंग मार्क्स अपने को पता चल गया 60 है। अब देखो क्या है, अभिषेक हैज टू स्कोर 40% मार्क्स टू पास, ये एक्चुअली है क्या 40% मार्क्स है? क्योंकि यही तो पासिंग मार्क्स है। वो लाया है 20 और 40 लेस है उसके पास, अगर उसके पास 60 मार्क्स होता तो वो पास होता, तो यही तो वो मिनिमम मार्क्स है जो पासिंग मार्क्स है, और यही तो वो बता चुका अभिषेक हैज टू स्कोर 40% टू पास द एग्जाम। तो ये है 40% मार्क्स। तो अब देखो वो मैं क्या बताता हूँ, क्या करता हूँ। सो 40% मार्क्स इज 60, 1% मार्क्स क्या होगा बताओ, ये 40 को नीचे ले आओ, 60/40। समझ रहे हो क्या किया मैंने, ये इंटू 1 रहता है ना यहाँ पे, तो 40 को नीचे ले आया, मल्टीप्लाई बाय 1 को यहीं रहने दिया, ठीक है। तो अब ये 1% आ गया, 40 नीचे चला गया। निकालना कितना है 100% मार्क्स, 100% मार्क्स है क्या, टोटल मार्क्स है कितना, मैक्सिमम, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जाम। तो मेरे को निकालना है मैक्सिमम मार्क्स, तो आखिर मैक्सिमम मार्क्स है क्या, 100% चाहिए, 100 बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे अपन लोग, तो यहाँ पे आएगा 100% मार्क्स इज इक्वल टू 60/40 इंटू 100। समझ रहे हो क्या हुआ? अब देखो ये गया, मार्क्स, समझ रहे हो, प्रोसेस देख लिए। अब मैं गारंटी देता हूं तुम बाकी लेक्चर्स देखो कहीं के भी, इसके प्रोसेस बहुत लेंदी होते हैं, और ये मैं सबसे इजी तरीका बताया,
और ये तरीका पता है मैं कहाँ सीखा हूँ, स्कूल के एक 8th के बच्चे से। वो उसको इजी लगता था ऐसा प्रोसेस, वो रफ में करता था, सॉल्व करता था। देख लो कितनी इजी है। अपने को पासिंग मार्क्स पता चल गया क्योंकि 40% है, इतना 100% निकालना है। तो पहले 1% करने के लिए अपन लोग ने वो 40 को डिवाइड कर दिया, फिर 100 से बहुत सारे मल्टीप्लाई, अब तो आ गया 100%। यही तो चाहिए था अपने को कि 100% टोटल मार्क्स कितना है। टोटल मार्क्स होता क्या है, 100%, समझ रहे हो? आ गया 150, ठीक है। अब देखो सारे जितने भी क्वेश्चंस है इसी के बीच फ्लक्चुएट होना है ऐसे ही प्रोसेस से। ये सारे प्रोसेस को तुम अच्छे से समझ चुके हो, जो मैंने याद करने के लिए दिया उसे याद कर लेना। अब मैं कुछ अस्त्रों के दुनिया में लेके जा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, समझ रहे हो क्या होगा? बहुत सारे शॉर्टकट्स फॉर्मूले, वो तुम्हें एकदम पी जाना है, समझ रहे हो? एकदम उसको रट लो अच्छे से, क्योंकि तुम अगर वो सारे को रट लेते हो तुम, तो कोई क्वेश्चंस नहीं है जो तुम मतलब सेकंड्स में ना करो। ऐसे तो तुम इतने, मैंने जितना डेटा दिया उसमें ही सॉल्व कर लोगे, लेकिन ये भी थोड़ा सा होता है ना, 10 सेकंड्स भी क्यों देना, 20 सेकंड्स में क्यों देना, जब मैं एक सिंपल फॉर्मूला यूज़ करके, कैट क्या है, गेम है, तुम्हारे टाइमिंग का ही गेम है, तो तुम उतना भी टाइम क्यों दो? जो क्वेश्चन तुम्हारा 30 सेकंड्स ले रहा है, अगर तुम एक फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ करके 10 सेकंड्स में बनाओगे, तो फॉर्मूला रटने में कितना ही टाइम लगता है। तो अब मैं फॉर्मूले पे जंप करता हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूले पे बताऊंगा, वो सारे को लिख लेना और रट लेना, समझ रहा हूँ? चलो अब मैं फॉर्मूला बताने वाला हूँ। मान लो एक क्वेश्चन है, ठीक है, मान लो एक आर्टिकल है जिसका प्राइस पहले ए था और अब इंक्रीज्ड होके बी हो गया, ठीक है, और मेरे पास ए ही, मान लो कोई प्राइस है वो इंक्रीज्ड हो गया, ठीक है, मान लो बहुत सारा आर्टिकल है, बहुत सारा सामान अपन लोगों को लेना है, पर पैसा अपने पास उतना ही है, मिनिमम अमाउंट है, तो अपन लोगों को क्या करना होगा कि पैसा उतना है तो सारे सामान को कम लेंगे। पहले जो अगर मान लो आटा हम सब 10 kg लेते थे, अब 8 kg लेंगे, 10 kg नहीं लेंगे, क्योंकि पैसे अपने पास उतना ही है, प्राइस बढ़ गया है, लेकिन सैलरी तो उतना ही है, सैलरी तो मेरे पास 100 रुपये ही है। तो इस प्रोसेस को कैसे करते हैं, मान लो किसी आर्टिकल का प्राइस ए से बी हो गया, लेकिन पैसा अपने पास वही है, एक्सपेंडिचर जो है उतना ही रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल प्राइस ए से बी है, तो एक्सपेंस जो है वो कितना डिक्रीज करना होगा, हमें जो खर्च है वो कितना कम करना होगा कि एक्सपेंडिचर सेम रहे, फाइनली प्राइस जो मैं, मेरे पास जितना अमाउंट है उसी में निपट जाए। फॉर्मूला कितना परसेंट डिक्रीज करना है उसका फॉर्मूला है, याद कर लेना, लिख लो, एक्सपेंस डिक्रीज्ड बाय बी माइनस ए बाय बी इनटू 100। पीछे साउंड आ रहा है इसलिए प्रॉब्लम हो सकता है, ये देख लो। अच्छा मैं और सारे कुछ फॉर्मूले को बताने वाला था, लेकिन पीछे से साउंड बहुत तेज़ आ रहा है, मैं और रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता क्योंकि फिर वो प्रॉब्लम करने वाला है। तो कुछ और 3 से 4 फॉर्मूले हैं जो मैं और बताने वाला था, वो मैं शॉर्ट्स में डाल दूंगा, ठीक है। तुम अभी तक मैंने जितना बताया वही बहुत है सॉल्व करने के लिए, बहुत ईजी है, और वही मतलब उसी को थोड़ा बहुत था ना फॉर्मूले में तब्दील करके, कुछ फॉर्मूले हैं तो। और अब देखो ये मेरा हो गया लेक्चर ख़त्म, अब मेरे को चाहिए 3 अस्त्र तुम्हारे तरफ से। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, शेयर कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ, और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करोगे तो मतलब अभी ऑलरेडी जो भी कुछ है तुम लोग करते हो तो मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है कि तुम लोग को एटलीस्ट जो मैं वर्क कर रहा हूँ पसंद आ रहा है, ठीक है। शेयर अपने कॉलेज के टाइम में हो तो अपने पूरे बैच को शेयर करो, किसी सबको पकड़ पकड़ के ज़बरदस्ती लाइक सब्सक्राइब कराओ, टॉर्चर करो लोगों को और शेयर कराओ, ठीक है। लाइक तो तुम अगर अच्छे लगे तो, पसंद है तो लाइक करो, इसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगा। शेयर करो अपने कॉलेज में हो तो कॉलेज पे, कॉलेज से अगर निकल चुके हो तो बाकी जो पुराने हैं तुम्हारे बैचमेट से उसको शेयर करो, और अगर जॉब में हो तो अपने जॉब में सारे लोगों को, अपने कलीग्स को करो, अपने मैनेजर को करो, मैनेजर को बोलो मैं काम नहीं करूँगा अगर शेयर नहीं हुआ तो ये वीडियो, तो ये तुम करो जो कर सकते हो। ये तीनों
कर लो मेरे लिए। बाकी जो मैंने बताया उसको याद कर लेना, और कुछ फॉर्मूले कुछ और प्रोसेस हैं तो मैं शॉर्ट्स में डाल दूंगा। और चलो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर पे, और लेक्चर शायद थोड़ा डिले हो सकता है, पर शॉर्ट्स में मैं रिविज़न के लाइक बहुत कुछ कंटेंट डालता रहूँगा। स्वाइप करो लर्न करो, ठीक है, ये मतलब समझ गया ना, इसको रट लो, स्वाइप करना है लर्न करना है अपने को, तो मेरे शॉर्ट्स को देखते रहना। चलो थैंक यू।